अभी हॉस्टल में रहा हूँ और मैं कई जगहों के यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस के मेस में खाना खाया है, लेकिन इतना टेम्पटिंग और इतनी सारी डेलिकेसीज मैंने और किसी मेस में नहीं देखी। I'm the mess secretary. This college has a huge diversity of North and South. So the vendor provides us with North Indian food and the South Indian food. So you may try them out. Chawal, dal, ye kya hai? Sir, ye paneer hai. Karhai paneer. Sir, and every day in the lunch we get something continental. So today we have pasta, rabiata and garlic bread. So we basically get three cuisines, North Indian, South Indian and continental. इतना टेस्टी खाना खाने के बाद तो मेरे से तो पढ़ाई नहीं होगी। मैं तो पूरे टाइम क्लासरूम में भी मैं सर पीता। अच्छा, सर बटर क्या बात। सर एंड वी आल्सो हैव अ ड्रिंक ड्यूरिंग द समर्स। विंटर्स में हमें सूप्स मिलता है, समर्स में हमें कोई ड्रिंक मिल जाता है, लस्सी मिल जाती है। तो अभी क्या है आज? सो सर वी हैव, बिकॉज़ इट्स समर सो वी हैव दिस यू नो समर कूलर्स वी कॉल इट। ये क्या है? टुडे वी हैव लेमनेड। सर लेमनेड, आई विल टेक इट फॉर यू। चलिए ठीक। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में, मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ और मैं कई जगहों के यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस के मेस में खाना खाया है, लेकिन इतना टेम्पटिंग और इतनी सारी डेलिकेसीज मैंने और किसी मेस में नहीं देखी। मतलब हमेशा हम लोग जब भी मेस की बात करते हैं तो बोरिंग खाना जहन में आता है। यस सर। कि खाना टेस्टी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारी डिशेज़ हैं खाने में। यहाँ पर हमारे पास दो तरह की दाल है। अब yes. एक आप कह रहे हैं नॉर्थ इंडियन है और एक साउथ इंडियन। अब साउथ इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं yes, और हर स्टेट का तड़का बनाने का तरीका अलग है। यस yes, सर। तो yes, हम इसको आज अपने लिए कह लेते हैं, जनरलाइज थोड़ा कर देते हैं yes, कि ये साउथ इंडियन स्टाइल दाल है, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल दाल है। yes. अब क्या डिफरेंस है वो आगे खा के देखेंगे। yes, फिर पास्ता है yes, sir. और ये ड्रम स्टिक्स और आलू की सब्जी है, मतलब सहजन जो बोलते हैं उसकी सब्जी है। और ये पनीर है, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर। और चावल, रोटी और गार्लिक ब्रेड। पहले ये नॉर्थ इंडियन दाल के साथ खाया जाए। ये दाल कौन सी दाल है? ये मलका दाल है। यस, रेड मलका, रेड मलका दाल है। पूरे एंटायर वीक में हर टाइम एक अलग ही वी विल हैव सम अदर फूड टू ऑफर, बट रेपिटेटिव कुछ भी नहीं होता है सर। इट्स नॉट जस्ट द वेराइटी, इट्स हाउ इट इज़ कुक्ड, एंड वी ऑल्सो कीप इन माइंड कि दैट शुड बी हेल्दी। सो इफ यूल सी एंड यू आर टेस्टिंग इज एज वेल, यू वोंट फाइंड कि ये बहुत ऑयली या बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। सो यू वर मैंशनिंग हेल्थ का भी, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट वी आर कीपिंग इन माइंड। तो जब हम मेस मीनू बनाते हैं तो मे बी मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो इनटेक है दैट शुड बी ऑल्सो बैलेंस्ड। तो जब हम मेस मीनू जब हम बना लेते हैं, उसके बाद वी गो एंड वी कॉन्टैक्ट टू दी हेड शेफ संजय यादव सर, इज़ द हेड शेफ। तो उसके बाद हम मिलके फिर उसके बाद हम उसको फिर से रीडिफाइन करते हैं, सो दैट इट शुड बी हेल्दी एट द एंड ऑफ डे। तो ये जो आप नॉर्थ इंडियन दाल बोल रहे हैं, इसमें गर्म मसाले का फ्लेवर है। yes. सर तो आज जो ये दाल है सर, ये थोड़ी सी स्पाइसी, बिकॉज एवरी डे अलग अलग टाइप की दाल बनती है, तो आज वाली थोड़ी स्पाइसी दाल है थोड़ी। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत अच्छी है। और ये जो साउथ इंडियन दाल बोल रहे हैं, इसमें आपका सरसों, ये सर उसका तड़का लगा हुआ है, सरसों टमाटो प्यूरी का, और इसको थोड़े स्पाइसी। दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर डिश अमंग दी नॉन वेजिटेरियंस। बिरयानी? यस सर। तो ये कैश एंड कैरी बेसिस पर होती है, तो एक एस्टिमेट से ही बनाते हैं।
बट वो हमेशा ख़त्म ही हो जाती है सर। बिरयानी मैं हमेशा हाथ से खाता हूँ। हाँ ये सर, मैं एक टेस्ट नहीं आता सबसे ऑथेंटिक। सो बेसिकली यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर। आज जैसे ब्रेकफास्ट में था आलू प्याज पराठा, कर्ड, सूजी उपमा, पीनट चटनी, ब्रेड बटर जैम, टी, कॉफ़ी, मिल्क, चॉकोस्ट, कॉर्नफ्लेक्स। तो हर टाइम पे सर इतनी सारी वैरायटी होती है। तो हमें भी पता रहता है क्या बनना है क्या नहीं बनना है। अगर हमें लग रहा है कि हमारा कोई फेवरेट खाना नहीं बनेगा, बाकी जो बाकी फूड आउटलेट्स हैं हम पूरा इन्फॉर्म रहते हैं। अच्छा है, मतलब मैं होता आपके जगह स्टूडेंट तो मेरा ध्यान तो पढ़ाई में कम होता, और ये जो ऐप है इसको ही मैं देखता रहता कि आज क्या मिलने वाला है। सर बेसिकली ऐसा भी होता है सर कि ये ना रात को है ना सोने से पहले सब है ना एक बार कॉल पुल चेक करके सोते हैं कि कल ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है। सो इफ इट इज़ आलू पराठा, जैसे कि आलू पराठा, आलू प्याज पराठा इज लाइक बाय एवरीबडी एंड पनीर पराठा, तो फिर वो देख के सोते कि आलू पनीर पराठा बनाए तो डेफिनेटली दे विल कम, और वो क्या बोलते हैं क्लासेस मिस कर दें बट एक ही बेस्ट टाइम से आ जाएंगे दैट दे गेट दिस आलू पराठा। हमारी एकेडमिक बिल्डिंग है, एनबी बिल्डिंग इसको बोला जाता है। यहाँ पे स्कूल ऑफ लॉ और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की क्लासेस होती है, और सबसे पहला है गेटवे बिल्डिंग, जीए बिल्डिंग, वहाँ पे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की क्लासेस होती है, एमबीए की और बीबीए की क्लासेस होती है। अभी अच्छा, तो सब लोगों ने बताया नहीं आप लोग कौन से कोर्स से हैं। सर मैं स्कूल ऑफ लॉ से हूँ, सेकेंड ईयर बीबीए एलएलबी। मैं फोर्थ ईयर से हूँ स्कूल ऑफ लॉ। सो मैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी थर्ड ईयर बीटेक। यहाँ पे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, हर तरह की फ्रूट्स, क्योंकि कॉलेज में ही होना चाहिए। बहुत बच्चे समर्स के टाइम खाना प्रेफर नहीं करते हैं दोपहर के टाइम, तो सब अंकल के पास। इवन नवरात के समय जैसे मैंने फास्ट रखता था, मैं फलाहार रोज आता था, जूस पीता था, तो एनर्जी लेवल जो रिक्वायर्ड होता था वो मिलता रहता था। सही, तो कौन सा जूस पीने वाला है यहाँ पे? सर अंकल से पूछते हैं, अंकल हमें क्या पिलाने वाले हैं? अभी तो पाइनएप्पल बना रहे हैं। पाइनएप्पल बना रहे हैं तो पाइनएप्पल ही पी लेंगे। बिल्कुल फ्रेश है और रिफ्रेशिंग है। मेरे लिए तो मतलब कैंटीन का खाना, कैंटीन जो फूड है वो पफ्स और समोसे से सिनोनिमस है कि मतलब जब कैंटीन फूड इमेजिन करते हैं तो सबसे पहले जहन में ही आता है समोसा होगा या पफ्स होंगे और साथ में कड़क चाय होगी। हाँ हाँ, तो चाय भी आ गई। अरे वाह, बिना चीनी वाली चाय है ना? कम चीनी है, बहुत कम। ये हर जगह लोग वही बोलते हैं चीनी को फिर ठोक के डालते हैं। फिर है? चाय बहुत हमारी फेमस है सर। ये चिकन पफ, चिकन पफ गुजिया के शेप में। हाँ पिड़किया के शेप में। और ये आलू पफ्स है ना? पफ में ये होना बहुत ज़रूरी है कि क्रिस्पीनेस हो। अच्छे पफ का क्या है कि आपने खाया मुंह में जाके बिखर जाए और आपके मुंह जाके चिपके ना, वो सबसे अच्छा पफ है। पनीर पराठा आप लोगों का फेवरेट ब्रेकफास्ट डिश। खाना तो हमने बहुत कुछ खाया है, अब थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में बातचीत करते हैं। हमें बताइए कब मुंजाल यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई? सर सो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी 2014 में स्टार्ट हुआ है और हीरो कंपनी के तरफ से ये यूनिवर्सिटी है, और इसका जो नाम है बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी, सो इसका फुल फॉर्म है ब्रिज मोहन लाल यूनिवर्सिटी, जो हीरो के फाउंडर थे। और अभी फ़िलहाल तो स्वाति मुंजाल मैम इस यूनिवर्सिटी को
देख रेख कर रहे हैं मतलब अपने अंडर में और अभी फिलहाल वाइस चांसलर मिस्टर श्याम मेनन इज टेकिंग केयर ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड टेकिंग केयर ऑफ द फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग एंड बेसिकली इस यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ लॉ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और अभी स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज शुरू होगा सो हर कॉलेज मतलब हर स्कूल की अपनी फैकल्टीज़ है अपने डिपार्टमेंट्स हैं एंड दे वर्क अकॉर्डिंगली बट हमारे यूनिवर्सिटी में और सबसे है कि हम करिकुलम एक्सचेंज करके भी पढ़ते हैं लाइक देर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स वेयर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द स्कूल्स कैन पार्टिसिपेट लाइक देर इज अ सेक्सुअल ओरिएंटेशन कोर्स विच इज़ गोइंग ऑन विच कैन बी ऑप्टेड बाय द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट वी बी बी एल एल बी क्लास पीपल सो वी हैव अ बी बी ए क्लासेज विद द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हैव देयर अकाउंट्स क्लास विद अस सो देर आर सेवरल कोर्सेज विच वी इंटरचेंज देर वर इलेक्टिव्स लाइक फॉर एग्जाम्पल पाइथन कोर्सेज एंड डेटा एनालिटिक्स एंड सर्टन इंजीनियरिंग कोर्सेज विच लॉ स्कूल ऑल्सो ऑफर दैट यू कैन जॉइन अस एंड इट वॉज एन इलेक्टिव इफ यू चूज यू हैव टू स्टडी दिट फॉर द इंटायर सेमेस्टर सो एज द यूनिवर्सिटी क्लेम्स दैट एक्सपीरियंशियल लर्निंग इट इज़ एक्चुअली गिविंग अस अ ब्लेंडिंग ऑफ ऑल द करिकुलम ऑफ द कोर्सेज एंड इट इज़ एक्चुअली प्रिपेयरिंग अस टू फेस द कॉर्पोरेट सेक्टर इवन द इवेल्युएशन प्रोसेस इज नॉट ओनली द बुक कि बुकिश लैंग्वेज में असाइनमेंट्स लिख दिए इट इज़ हाउ यू एक्चुअली अप्लाई द लॉ हाउ यू रीड द केसेज इफ आई टॉक अबाउट स्कूल ऑफ लॉ So it's all about how you apply the case laws, how you apply. The teachers have a very unique way of teaching. They don't only just engage in classroom discussions, but they have debates with us. They give us readings, asks us for our outputs, asks us to write the response papers, make PPTs, do presentations, do surveys. So very unique way of teaching, very unique way of assessment. So this makes BMU unique from all other universities, if I said. कॉफी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे यस सर यहाँ पे सर यहाँ पूरे यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी कॉफी चाहिए पूरे ब्लॉक में इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है ये आपका फैकल्टी ब्लॉक है जहाँ पे जो टीचर्स हैं वो लोग बैठते हैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट भी करते हैं और अपना लेसन प्लानिंग ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं अभिषेक सर आपके यूनिवर्सिटी का टैगलाइन है फ्रॉम हेयर टू द वर्ल्ड उसका क्या मतलब होता है उसका मतलब ये हुआ कि जो भी फैकल्टी है यू नो ऑल द फैकल्टी हैव गेन सम फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस तो जैसे मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है एनयूएस सिंगापुर से तो हम लोग अपनी एक्सपीरियंशियल नॉलेज क्लास में लेकर के आते हैं MBA final year who are discussing about a social entrepreneurship program so if you could tell us something about the program so basically we are working to solve the issue of women employment in this particular area the villages so we have identified such potential solutions so we are working on it so for example paper bags incense sticks and mushroom cultivation right now we are going ahead because we had a word with the Ramankant Foundation And so now we are going to work on paper bags. Now we are going to actually research on the timing that it would timeline for paper bags. What kind of paper bags are required or is the market really into these days? So these are the few things that we are discussing right now and researching on. चिकन टिक्का मलाई टिक्का आज मौसम में बहुत सही है मतलब नॉन वेज खाने का मौसम है अच्छा मौसम हो रहा है कोई वैकेंसी नहीं है मतलब मेरे लिए यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी में हाँ कोई कुछ बना दो फूड इंचार्ज या फिर हाँ
ICS का काम देखूंगा इधर जाके देखना हुआ कैसा फूड क्वालिटी मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है। तो बहुत अच्छा लगा आपके यूनिवर्सिटी में। जब तक ये सीख रहा है हमें बताइए हाइड आउट के बारे में, यहाँ पे क्या क्यूजीन है? तंदूरी क्यूजीन है, मतलब तंदूरी फूड मिलता है यहाँ? शाम में तंदूरी मिलता है, सुबह में अगर हमारा ब्रेकफास्ट जैसे मिस हो गया और हमें ब्रेक मिलता है, क्लासेस हमारी 2 घंटे की होती है। आप ब्रेकफास्ट बहुत मिस करते हो लगता है सर। एक तो चिकन टिक्का है, नॉर्मल चिकन टिक्का, एक मलाई टिक्का है। बहुत बढ़िया बना हुआ है, बिल्कुल ऊपर से करा रहा है। कैसे? आप ग्रिप ये होगी सर? जी ऐसे। यस सर। दिस इज ठीक है, फिंगर यहाँ, थंब यहाँ, ठीक है। और रैकेट ऐसे, बैक एंड चॉप, ऊपर से चेस्ट के पास से नीचे की तरफ जाता है, दिस इज द कॉल बैक एंड चॉप। ओके, पोजीशन लाइक दिस, लेफ्ट लेग पैरेलल टू दिस कॉर्नर एंड राइट लेग फॉरवर्ड, नी डाउन एंड बैक, दिस इज योर एक्शन। ऐसे? यस। हमने डाइनिंग टेबल पे खेला है थोड़ा बहुत। अब ये तो यहाँ पे कैसे, मतलब आप लोग कैसे ट्रेन करते हैं इनको? हमने कोचेस वगैरह हायर किए हैं। अच्छा। तो बैडमिंटन जितने भी हमारे पास स्पोर्ट्स एक्टिविटी रनिंग में तो कोचेस आते हैं, मंडे टू फ्राइडे 6 to 8 उनका टाइम है, वो आते हैं बच्चों को कोच करते हैं। जो भी हम इंटरनली भी काफ़ी सारी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए, इंटर बैच, इंटर कॉम्पिटिशन, इंटर क्वार्ट्स, जितने भी स्ट्रेंथ हमारी स्टूडेंट्स की उनको हमने क्वार्ट्स में डिवाइड किया है। जो भी हमारे इवेंट होते हैं क्वार्ट्स में, इंटर बैच में, वे बाहर जाते हैं क्वार्ट्स में, तो उसके लिए हम कोचेज वगैरह बुलाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। आपने कहाँ कहाँ अभी तक अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है? सर, SNU, अशोका, ओपी जिंदल, IIFT, IIT दिल्ली, हियर इन BMU, भिवानी, ओपन स्टेट। इस साल IIFT दिल्ली में हम लोग गोल्ड मेडल। तो ये ढाबा आपका 1:30 बजे तक खुला रहता है? सर 1:30 बजे के बाद भी खुला रहता है, 2:30-3 बजे तक खुला रहता है। 1:30 बजे तक हम लोग यहाँ आके खा सकते हैं, 1:30 बजे के बाद हॉस्टल में डिलीवरी मिलता है। सो कर्फ्यू टाइमिंग हमारा 1:30 है। कर्फ्यू मतलब क्या है? मतलब कोई मूवमेंट नहीं, बाहर नहीं कर सकते आप, कैंपस के अंदर नहीं घूम सकते। 10 बजे तक आप कैंपस के बाहर रह सकते हैं, 10 बजे के बाद आप कैंपस के बाहर नहीं रह सकते, आप कैंपस के अंदर घूम सकते हैं, और 1:30 तक आप कैंपस के अंदर घूम सकते हैं, 1:30 के बाद आप कैंपस में भी नहीं घूम सकते। जो कैंटीन वाली चाउमीन होती है उसका अलग ही मजा होता है, और वो भी एग और चिकन चाउमीन। कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा है। दिस इज रेडी नाइस। वाह, मंचूरियन वाली खुशबू। मतलब लेकिन आज वेदर बिल्कुल परफेक्ट है। मैगी वाला वेदर है। थैंक यू। हाँ बताइए यहाँ पे। तो बेसिकली ये 3 जॉइंट्स हमारी हॉस्टल सर्वाइवल किट है, ये हमें रात में 4 बजे तक खाना देते हैं, हॉस्टल में डिलीवरी देते हैं। तो
basically ye lazeez hai and famous for rolls, momos और different types of rolls, मतलब rolls के बहुत सारे varieties हैं। तो आपका favorite कौन सा है इसमें जो आपने अभी तक खाया है? मेरा तो double paneer roll। Double paneer roll? हाँ, उसमें paneer की stuffing ज़्यादा होती है। Roll। Roll। आपका? मेरा तो यहाँ के सबसे favorite dish है momos। Chicken steam momo। और half plate veg shezwan कर दीजिएगा। ये तो momo बना रहे हैं, दूसरा देखते हैं क्या है। यहाँ पे smoothie। तो ये स्मूदी जोन में शेक्स मिलता है, पिज़्ज़ास मिलता है, फिर सैंडविचेस मिलता है, बर्गर्स मिलता है, पास्ता मिलता है, बॉइल्ड है। बीएमयू के जिम फ्रीक्स के लिए गो टू प्लेस है बिकॉज़ दे आल्सो प्रोवाइड हेल्दी फूड, या प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन रिच फूड, एवरीथिंग, दे कस्टमाइज फूड, सो दिस इज अ गो टू प्लेस फॉर जिम फ्रीक्स एंड दे आर फेमस फॉर देयर स्मूदीज। क्या जिम फ्रीक लोग क्या खाते हैं सबसे ज्यादा? जिम फ्रीक तो यही है, ये खा रहा है अपना बॉइल्ड। क्या खा रहे हैं? बॉइल्ड चिकन। सो ये हमारे लोग के सीन है, ये मेरे बैच का है। तन्नू, ये है हमारा सबसे हेल्दी फूड बिरयानी। चिकन स्टीम चाट मसाला के साथ है, क्या बात। आपका भी आ गया। अरे कोई ना, ये अच्छा लगा, मतलब हमारा पूरा दिन हम लोग ने आपके साथ स्पेंड किया, आप लोगों के साथ, और खाना तो अपनी जगह है, लेकिन एक दोबारा से मैंने अपने कॉलेज डेज को रिलिव किया, तो वो बहुत अच्छा लगा। हमें भी मज़ा आया, एक तो मतलब खाना जो ग्रुप में जब खाते हैं तो थोड़ा एक अलग फील आता है, और फिर बातें इधर उधर का जो सब खाने का स्वाद बढ़ाता है ग्रुप में खाना। तो फाइनली अपना हम बीएमयू का एक्सपीरियंस एंड कर रहे हैं कुल्लर चाय के साथ, और बहुत सा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के साथ, आपका कैंपस देख के आपने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई हमें, और जितनी भी फैसिलिटीज़ है आपके यहाँ पे, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हो या क्लासरूम्स हो या मूड कोर्ट हो या फिर कैंपस का खाना हो, जो कि बहुत ही उम्दा था, खासकर जो मेस का खाना खाया वो बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब वो हाईलाइट रहा पूरे दिन का, और साथ साथ आप लोग होस्ट भी अच्छे हैं। Thank you, sir. Thank you for having me. It was really great having you, sir. और बहुत अच्छा लगा। You should visit us more often. बिल्कुल मैं आऊँगा। अभी तो इस बार हमने कैंपस के अंदर के जो फूड जॉइंट्स हैं उसको एक्सप्लोर किया है। नेक्स्ट टाइम जो कैंपस के बाहर के जो ढाबा हैं, जो ईटरीज हैं, उसको एक्सप्लोर करेंगे। Yes, sir. Sure, sir. You're always welcome. And my best wishes to both of you. Thank you. Thank you, sir.